नमस्कार दोस्तों, मैं हरदयाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जॉब सीनियर डेली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसके जितनी भी संख्याएं बनती है, चाहे नेचुरल नंबर हो, इंटीजर नंबर, फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन ओड, ये सारी संख्याएं हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। उसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें कुछ जितने भी सम के फॉर्मूले बनते हैं, नेचुरल नंबर के सम के फॉर्मूले, इनके स्क्वायर्स के फॉर्मूले, और उसके अलावा जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है फॉर्मूले, डिस्कस कर लेते हैं पहले कुछ, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनका कलेक्शन आपको एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है। तो आप देखिए, पहला जो फॉर्मूला है ये लिख लीजिए, आपकी एन प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। तो प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत मीन्स आपको बताई है नेचुरल नंबर, ठीक है। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग, अब देखिए भाई, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला जो बनता है वो होता है एन एन प्लस वन डिवाइड बाय टू, ठीक है। एन एन प्लस वन डिवाइड बाय टू, वेयर एन क्या है, प्राकृत संख्याओं की संख्या, कितनी संख्याएं हैं वो है एन। अब देखिए दो नंबर पे अगर हम देखें कि प्रथम एन सम संख्याओं का योग, ठीक है, प्रथम एन सम संख्याओं का योग, देखिए तो यहां पे सम संख्याओं का जो योग बनेगा वो क्या बनता है भाई, एन एन प्लस वन। हालांकि हमने ये फॉर्मूले जो है वो किस में डिस्कस किए, वो एवरेज में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि यहां पे अगर इनका एवरेज निकालोगे यहीं से एवरेज का फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे अगर बोलोगे कि प्रथम एन सम संख्याओं का योग ये है, तो अगर इनका एवरेज बोला जाए तो आप क्या करोगे, एवरेज के लिए एन से डिवाइड करोगे, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला कितना बन जाएगा, एन प्लस वन, ठीक है। इसी तरह से प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, ठीक है, प्रथम एन विषम यानी कि ओड नंबर विषम संख्याओं का योग, तो पहली एन विषम संख्याओं का योग जो बनेगा वो एन स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा भाई, वो बन जाएगा आपका एन स्क्वायर। अब यहीं से एवरेज का फॉर्मूला एन से डिवाइड कर दोगे तो पहली एन विषम संख्याओं का एवरेज क्या होता है, एन होता है। इसी के साथ अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट कि पहली एन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, ठीक है, प्रथम एन संख्याओं के वर्गों का योग, अब देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला इसके लिए ये होता है, आगे लिख देता हूं यहां पे, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स, ठीक है। ये होते हैं प्रथम एन संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि अगर आपको दे दिया जाए वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से अगर दे दिया जाए वन का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर और कंटिन्यू आगे, ठीक है, मान लिया जाए यहाँ पे नाइन के स्क्वायर तक दे दिया जाए, तो आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगी, नाइन बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। लास्ट जो है वो प्रथम एन संख्याओं के घनों का योग, ठीक है, प्रथम एन संख्याओं के घनों का योग। अब देखिए भाई, प्रथम एन संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, पहली एन संख्याओं के घनों का योग संख्या का योग निकालने के लिए एन एन प्लस वन डिवाइड बाय टू, और इसका क्या कर देंगे, इसका पूरे का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, पूरे का क्या कर देंगे भाई, स्क्वायर कर देंगे। अब ये सारे फॉर्मूले हैं एज इट इज, आपको एवरेज में भी काम आते हैं, क्योंकि एवरेज में भी क्या होता है, एवरेज टोटल अगर एवरेज निकालें तो वो क्या आता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की टोटल संख्या कितनी होती है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो योग का फॉर्मूले तो यही काम आने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम में एज इट इज आपको कहां पे यूज आएंगे, एज इट इज आपको एवरेज में भी काम आने वाले हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये बिल्कुल इजी फॉर्मूले हैं जिसपे एग्जाम्पल हम नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है, अगर जिस तरह से ये एग्जाम्पल आपको दे दिया
ठीक है। इस तरह के एग्जांपल तो डायरेक्ट आपको एन की वैल्यू करनी है और पुट करके डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद जो है वो नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है और उसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि भाजकता नियम या आप उसको विभाजकता नियम बोल दें, ठीक है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो देखिए, ये आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब देखिए, विभाजन का नियम या फिर आप बोलें कि डिविजिबिलिटी रूल, विभाजन नियम ये है भाई, विभाजन का नियम या डिविजिबिलिटी रूल। अब विभाजन नियम या डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले हम क्या शुरू करते हैं, दो से विभाजन का नियम देखते हैं कि कोई संख्या जो है वो दो से कब विभाजित होगी। तो पहला हम देख रहे हैं दो से भाग का नियम, ठीक है, दो से कब कोई संख्या डिविजिबल होगी, तो वो देखिए भाई, दो से डिविजिबल होने के लिए इकाई का अंक जो होता है यानी यूनिट प्लेस वैल्यू जो होती है, यूनिट प्लेस वैल्यू जो होती है वो आपकी क्या होनी चाहिए, इकाई का अंक सम संख्या होनी चाहिए या फिर जीरो होनी चाहिए। जैसे यहां पे बोलूं इकाई का अंक जीरो या सम संख्या होनी चाहिए, क्लियर है भाई, या तो जीरो हो या फिर सम संख्या हो, जीरो टू फोर सिक्स एट, इस तरह से आपको पता है जीरो सम संख्या में इंक्लूड नहीं होता, इसलिए हमने जीरो को अलग लिखा है। तो ये अगर संख्याएं लास्ट के यूनिट प्लेस वैल्यू पे है, ठीक है, तो यानी वंस वाली वैल्यू पे है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो नंबर दो से डिविजिबल होगा। अगर यहां पे देखें इस तरह से कोई नंबर लिखा है, इस तरह से कोई नंबर लिखा है, एक ये नंबर है और दूसरा एग्जाम्पल मैं बोलू कि 9432804, ठीक है, इस तरह से कोई दो नंबर लिखे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि दो से डिविजिबल है कि नहीं, तो सीधा सीधा आपको यूनिट प्लेस वैल्यू लेनी है, यूनिट प्लेस वैल्यू को ही देखना है। अगर ये वैल्यू इवन नंबर है या फिर जीरो है तो क्या हो जाएगा, ये नंबर दो से डिविजिबल हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए ये क्या है भाई, ओड नंबर है, इट मीन्स ये संख्या दो से डिविजिबल नहीं है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय टू, बट दिस वन इज डिविजिबल बाय टू बिकॉज लास्ट जो संख्या है वो आपकी क्या बन गई, फोर बन गई, लास्ट यूनिट प्लेस वैल्यू क्या है, चार है, जो कि एक इवन नंबर है। इसका मतलब ये जो है वो दो से डिविजिबल होगी, ये संख्या दो से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, बिल्कुल इजी है, ये तो आप पढ़ते आए हैं शुरू से। अब आप इसी के साथ देख लीजिए तीन से विभाजन का नियम, ठीक है, दो के बाद आप तीन से विभाजन का नियम देख लीजिए। कोई संख्या तीन से कब भाग होगी, ठीक है, तीन से भाजकता का नियम आप लैंग्वेज अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है, क्योंकि मैं एक बिल्कुल शॉर्ट लैंग्वेज लिख रहा हूं। तीन से भाजकता का नियम है कि अगर संख्याओं का डिजिट सम तीन से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, तीन से डिवाइड हो जाएगी। तो अगर संख्या के अंकों का योग तीन से विभाजित है, ठीक है, अगर संख्या के अंकों का योग तीन से विभाजित है तो वो संख्या तीन से विभाजित होगी। अब आप देखिए कैसे भाई, एग्जाम्पल लेंगे यहां पे, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल ले लीजिए कोई भी 9324, ये एग्जाम्पल मैंने लिया। अब 9324 हमें ये देखना है कि ये संख्या तीन से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है, तो आप सीधा सीधा क्या करिए, इनको डिजिट का सम कर दीजिए, 9 और 3 कितने हो गए भाई, 12 हो गए, ठीक है, 12 और 2 14 और 14 और 4 कितने होते हैं, 18, तो इसके का जो डिजिट सम बन गया वो कितना बन गया, डिजिट जो सम बना वो कितना बन गया भाई, 18 बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, 18 जो है वो डिविजिबल है किससे, 3 से, ये तो आप चेक कर ही सकते हैं। इसका मतलब ये संख्या भी किससे डिविजिबल होगी भाई, 3 से डिविजिबल होगी, क्लियर है, यहां पे आपको सीधा सीधा सम करना है। अब इसी तरह से हम देखते हैं 4 का, ये आपका क्लियर है, डिजिट का सम करना है सिंपल, और वो संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर थर्ड नंबर पे हम देखते हैं 4 से भाग का नियम,
अब एक सीक्वेंस रहता है 2, 4, 8 और 16 में एक सीक्वेंस ये रहता है कि यहाँ पे जब 2 की बात कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक देख रहे हैं। लास्ट वाला अंक देख रहे हैं वो आपका क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है, लास्ट संख्या के लास्ट के 2 अंक डिविजिबल होने चाहिए। इसी तरह से जब 8 की बात करेंगे, 8 की, तो संख्या के लास्ट के 3 अंक डिविजिबल होने चाहिए, और जब 16 की बात करेंगे तो संख्या के 4 अंक जो है वो डिविजिबल होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे एक पैटर्न बनेगा। तो 4 जो है, 4 से भाग का नियम क्या हो जाएगा भाई, संख्या के, ठीक है, अगर संख्या के अंतिम 2 अंक चार से विभाजित है तो, आगे आप कंटिन्यू करें इसको, कि अगर संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी, किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी, ठीक है। देखिए कैसे, मैं संख्या यहां पे लिख रहा हूं 9874 3284। आपको क्या करना है, सिंपली जब आपको देखना है कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं संख्या, 4 से डिविजिबल करने के लिए आपको सिंपल लास्ट वाली 2 संख्या देखनी है, एक तो यूनिट प्लेस वैल्यू यानी वंस और टेंस, ये 2 प्लेस पे वैल्यू देखनी है। ये बन रहा 84 आपको पता है कि कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है 4 से, ठीक है, 84 कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है 4 से, इट मींस ये संख्या जो है वो किससे डिविजिबल होगी भाई, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। ये है इसका रूल, 4 से विभाजकता का नियम, 4 से भाग का नियम। अब इसी के बाद हम देख लेते हैं 5 से विभाजन का नियम, ठीक है, आप कंटिन्यू कर लेना इसको, 5 से विभाजन का नियम। तो देखिए 5 से कैसे कोई संख्या विभाजित होगी, पांच के विभाजन के लिए हमें इकाई अंक को ही देखना है। अगर इकाई का अंक, ठीक है, या यूनिट प्लेस वैल्यू 0 या 5 हो तो, ठीक है, अगर इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर आपका क्या हो भाई 5 हो, इट मींस वो संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी, 5 से डिविजिबल हो जाएगी। जे अब आप इसका एग्जांपल देखें, 920 हो गया। दूसरा एग्जांपल आप अगर लें तो वो क्या बनेगा, 95 ये वाली संख्या हो गई। अब ये 2 संख्या है आपके पास, क्या ये डिविजिबल होगी, यहाँ पे लास्ट की संख्या देखनी है, यहाँ पे 0 है, इट मीन्स ये संख्या 5 से डिवाइड होगी, कंप्लीटली डिविजिबल होगी, और यहाँ पे भी लास्ट में क्या है 5 है, ये संख्या भी क्या होगी, कंप्लीटली डिविजिबल होगी, किससे, 5 से डिविजिबल होगी। इसी तरह से अगर मैं यहां से ये हटा दूं, बताइए अब ये संख्या डिविजिबल होगी कि नहीं, तो यहाँ पे लास्ट का अंक क्या आ गया, 2 आ गया, यहाँ लास्ट अंक 2 है, इसका मतलब 0 और 5 होना चाहिए, यहाँ डिविजिबल 5 से ये नहीं होगी, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगी, क्लियर है। अब 5 के बाद हम देखते हैं 6 से विभाजन का नियम। तो अगर देखें 6 के विभाजन का नियम, तो देखिए 6 के विभाजन का एक सिंपल सा रूल है कि 6 के फैक्टर क्या बन रहे हैं, 6 जो है वो क्या होता है, 6 होता है 2 × 3, ठीक है। तो यहां पे बस एक सिंपल सा रूल यही है कि अगर वो संख्या 2 या फिर 3 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी एक से, अगर दोनों से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी भाई, 6 से। तो यहां पे आप लिख सकते हैं, अगर संख्या 2 या 3 से विभाजित हो रही है तो वो किससे डिवाइड हो जाएगी, कंप्लीटली 6 से डिविजिबल होगी। क्लियर है भाई, ये समझ आ रहा होगा आपको बिल्कुल इसी तरीके से हम समझ रहे हैं एग्जांपल के साथ, तो आपको क्लियर होनी चाहिए एक एक चीज, यहाँ पे किसी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो अगर संख्या 2 या 3 दोनों से डिवाइड है, डिविजिबल है, तो वो क्या हो जाएगी भी, 6 से विभाजित हो जाएगी। मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल, ये संख्या है तो आपको देखना है कि ये 6 से विभाजित हो रही है क्या, तो 6 से विभाजित होने के लिए आपको पता है 2 और 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो आपने लास्ट वाली संख्या देख ली 2, इसका मतलब ये 2 से तो विभाजित है क्योंकि लास्ट में क्या इकाई सम है। 3 के विभाजन का नियम क्या था कि संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो संख्याओं का योग कर लीजिए,
ये कितना हुआ, योग करने के लिए सिंपल कैलकुलेशन करें, ये 10 हो गया और ये भी 10 बन गया, ठीक है, तो ये 20 आ गया। ठीक है, संख्याओं का योग क्या हो गया भाई, 20 बन गया। अगर संख्याओं का योग 20 है जो कि डिविजिबल नहीं है 3 से, इट मींस ये संख्या 2 से तो डिविजिबल है बट ये किससे, 6 से डिविजिबल नहीं होगी, 6 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि दोनों से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो कि 5, 6 दे दिया, 7 के विभाजन का कोई रूल नहीं है। ठीक है, 7 के विभाजन का कोई रूल नहीं है क्योंकि ना तो इसके फैक्टर होते हैं, आपको बताइए कि एक प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर है, तो 6 से विभाजन का कोई भी रूल नहीं है। 8 से विभाजन का नियम देखेंगे, ठीक है, 8 से विभाजन, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि यहां पे क्या करेंगे भी, 4, 2 के लिए 1 लास्ट यूनिट और 4 के लिए 2 अंकों को देखा था, यहां पे लास्ट के 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी, वह संख्या 8 से, ठीक है, अगर लास्ट के 3 अंक, ठीक है, 3 अंक यानी कौन सा, वंस, टेंस और हंड्रेड वाली वैल्यू, तीनों अगर 8 से डिवाइड है तो आपका क्या बन जाएगा भाई, वो संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी, नोट करिए। ठीक है, लास्ट के 3 अंक देखना है, ये संख्या वो चेक करना है अभी कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो यहां पे लास्ट के 3 अंक देखना है, अगर ये वाली संख्या डिविजिबल हो रही है 8 से, इसका मतलब ये पूरी संख्या डिविजिबल होगी। आप देखिए 8 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 जा 40 हो जाएगा, 2 रिमेनिंग फिर 24 आ जाएगा और 8 3 जा हो जाएगा 53, इसका मतलब ये संख्या जो लास्ट के 3 डिजिट है वो क्या हो रहा है, 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहे हैं 8 से। अगर ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहे हैं इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी, 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको भी देख सकते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 9। अब जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो मेनली क्वेश्चन आते हैं 9 या फिर 11 से, 11 के बहुत अच्छे एग्जांपल बनते हैं, तो 9 और 11 से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। ठीक है, 3 पे भी बन जाते हैं, तो आप देखिए 9 से विभाजन का नियम, जिस तरह से 3 के विभाजन का नियम था वैसे ही 9 के विभाजन का नियम है कि संख्याओं का योग जो है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, संख्याओं का योग संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, ठीक है भाई, संख्याओं के अंकों का योग जो है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। देखें भाई ये एग्जांपल क्या बन रहा है, ये हमारे पास एग्जांपल है, अगर संख्याओं का योग जो है वो 9 से विभाजित है इसका मतलब ये संख्या किससे भी डिवाइड होगी भाई, 9 से डिवाइड हो जाएगी। देखें कितना बन जाएगा, 6 और 3 9, 9 और 4 कितना, 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22 नॉट डिविजिबल बाय 9, मतलब कंप्लीटली नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9, इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो क्लियर होगा आपको, इसी तरह से संख्याओं का सब देखना है, संख्याओं के अंकों का योग देखना है, अगर यहाँ पे कितना बन जाता, मान लो यहाँ पे 27 बन जाता तो वो संख्या डिविजिबल होती, लेकिन यहाँ पे 22 है इसका मतलब ये संख्या डिविजिबल नहीं है, क्लियर है ये सारी चीज, तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल आपने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, तो ये क्या हो गया भाई, नॉट डिविजिबल बाय 9। अब इसी तरह से हम देखेंगे अगला, 9 से डिविजिबिलिटी देख ली, उसके बाद अब देखेंगे 11 से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हटा देता हूं मैं, 11 को एक नए ही उस पे शुरू करते हैं। 11 के लिए भाग का क्या नियम है वो देखिए, यदि यदि संख्या के
संस्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर या तो जीरो या तो जीरो या ग्यारह का कोई गुणज हो तो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब यहां पे समझे इस बात को, संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के अंकों का अंतर जो है, योग का अंतर, ठीक है, यदि संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, ठीक है, अंकों के योग का अंतर या तो जीरो बन जाए या फिर 11 का कोई गुणज हो, जैसे 11 का गुणज का मतलब क्या भाई, 11, 22, 33, 44, ठीक है, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हम लेते हैं 4, 2, 3, 9 और 2, ये आपके पास एग्जांपल है, आपने को देखना है कि क्या ये 11 से विभाजित है, क्या ये 11 से डिविजिबल है। सिंपल आपको क्या करना है, सम स्थानों के अंकों का योग, तो पहले ये सम पे है, ये भी सम पे है और ये सम पे है, इन वन, सो ये विषम पे आएगी, तो ये विषम है 1, 3 और 5, तो इनके अंकों का योग जोड़ना है हमें, तो 4 और 3 क्या हो गए, 7, 7 और 2, 9, तो इनके अंकों का योग तो 9 बन गया, ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 11, ठीक है। अब इनका अंतर देखना है, ठीक है, तो इनका अंतर तो क्या, 11 माइनस 9 तो 2 बन गया, 11 माइनस 9 तो क्या हो गया, 2 बन गया, लेकिन 2 तो डिविजिबल नहीं है, ना ही 0 बन रहा, इसका मतलब ये संख्या तो 11 से डिविजिबल नहीं है। अगला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 9, 4, 3, 2, 4, 1, ठीक है, ये एग्जांपल हमारे पास है, इसको देखिए, 9 और 3 कितने हो गए, 12, 12 और 4 कितने हो गए, 16, और यहीं तक है, ये बन गया आपका कितना, 17 हो गए, ठीक है, 13 और 4, 17, 9 और 16 ही रहेंगे, ठीक है, 9 और 3 कितने, 12, 12 और 4, 16। अब इसी तरह से आप इनको ऐड कर लीजिए, ये कितना बन गया, ये आपके पास हो गए 4 और 2, 6 हो गए, ठीक है, 6 और 1 कितना हो गया, 6 और 1 ये आपका 7 बन रहा है, इसका मतलब ये भी डिविजिबल नहीं है, ये भी क्या है भाई, डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर कोई संख्या, एक लास्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, क्या पता उसमें डिविजिबल हो ही जाए, ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ये है, अब ये देखिए कि क्या ये डिविजिबल है कि नहीं, यहां पर देखेंगे अगर ये डिविजिबल है कि नहीं, तो सिंपल देखिए, ये और ये कितना बन रहा है, ये 4 बन रहा है, और इन दोनों का सम कितना बन रहा है, 4 बन रहा है, मतलब 4 माइनस 4 0 बन गया, इसका मतलब ये क्या होगी, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11 होगा ये एग्जांपल, क्लियर है भाई। ये था 11 से डिविजिबिलिटी का रूल, इसके साथ ही 12 से विभाजन का भी नियम बनता है, 12 से डिविजिबिलिटी का रूल सीधा सीधा यही होता है, कोई आगे लिखा कोई खास नहीं है, 12 वाला 11 तक ही इंपॉर्टेंट थे। अब 12 जो है वो आप देख लीजिए कि क्यों, ये होता है 4 इंटू 3, 4 और 3 का मल्टीपल होता है, तो 4 और 3 दोनों से अगर डिविजिबल होगी तो वो संख्या 12 से भी विभाजित होगी। अब 4 और 3 के रूल आपको पता है, इसी तरह से क्या होगा, 16 का, तो 16 का आपको पता है कि मैंने बताया था 8 के लिए लास्ट के 3 अंक देखते हैं, तो यहां पे लास्ट के 4 अंक देखेंगे, ठीक है, अगर वो डिविजिबल है तो संख्या भी डिविजिबल होगी, बट मोस्ट इंपोर्टेंट है 11 से भी डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है। तो आज हमने देखा कि ये जो डिविजिबिलिटी के रूल बन रहे थे और कुछ हमने फॉर्मूले जो डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में, तो आपने बहुत अच्छे से इसको कवर कर लिया है, और आई थिंक आपको एंजॉय किया होगा इस पूरे सेशन को, और मिलते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। अब डिविजिबिलिटी में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको लेकर मैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल जॉब्स इंडिया डेली, थैंक यू।